हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं एमजी की साइबर स्टार। भाई अभी कुछ ही दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले इंडिया में जो एमजी ने मीट रखा था एक, उसमें ये अनवील करी थी। क्या क्या चीज़ है इसमें, केवल खूबसूरती नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है। आप देखते ही इसको, जो हम काफ़ी सालों से देखते थे, मैं अपने बचपन से देखता था, BMW की Z4 उसको ही कम्पीट करने वाली है। बड़ा सा बोनट, 2 डोर, उसके साथ साथ स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक, वही याद दिलाते थे ना हमें, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने वाली है। अगर नंबर्स की बात करेंगे, सबसे पहले मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने किया था चारों तरफ से गाड़ी को देखा, क्योंकि खूबसूरती ही इतनी ज़बरदस्त है। देख रहे हो, पूरी बात करी है इनसे मैंने, जो यहाँ पर इसके प्रोडक्ट जीनियस हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करते करते शुरुआत, सबसे पहले इसका फ्रंट लुक देखो यार, चौड़ाई कितनी ज़बरदस्त है। केवल आपको ऐसे ही वीडियो में उतना अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, ये 1900 mm प्लस है, 1913 mm के अराउंड है। मतलब आप समझ रहे हो, जो इंडिया में आपको SUVs मिल रही हैं, बिग डैडी मिल रही हैं, उतनी चौड़ी है कार है, ठीक है। उसके साथ साथ एरोडायनामिक्स को बनाए रखने के लिए यहाँ पर इस तरह से नोज डिप आपको दिया गया है, बोनट। साथ में हेडलैम्प की बात करें तो कहना MG का कि भाई इसकी जो इंस्पिरेशन है ना, वो ली गई है तूफान से, मतलब स्टोर में जब उठता है बवंडर सा ऐसा घूमता है ना, वहाँ से ये ली गई है। उसके साथ यहाँ पर हो गए अपने साइड विजन हेडलैम्प, जो कि ज़बरदस्त वाली आपको थ्रो देने वाले, हाई एंड लो यही काम करेगा। साथ में एरोडायनामिक्स को बनाए रखने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं स्कूप्स, 1, 2, 3, 4 पॉइंट है फ्रंट सेंसर। और ये केवल पार्किंग सेंसर नहीं है भाई, हल्के में मतलब यहाँ पर आपको साथ में कैमरा भी दिया गया है। उसके साथ साथ वहाँ पर भी विंडशील्ड में कैमरा दिया गया है, मतलब इसमें आपको अडास लेवल 2 भी मिल जा रहा है। बिल्कुल जो भी अडास लेवल 2 में आपको फीचर्स मिलते हैं, मतलब इमरजेंसी ब्रेकिंग और जो मिटिगेशन वगैरह होते हैं, वो सारी के सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जा रही हैं, ठीक। क्या मस्त लग रहा है ना, नीचे विंग्स लगे हुए, ओए होए बहुत प्यारी। आ जाते हैं जरा इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी मस्त। सबसे पहले चीज़ जिस पर नज़र टिक रही है हमारी, वो है इसके अलॉयज, 245/40R20, 20 इंच के मिल रहे हैं, 245 mm है इसकी चौड़ाई। और इतनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक भी सॉलिड चाहिए। आपको यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक दिख रहे हैं, ब्रेम्बो के हैं और 4 कैलिपर है, बिल्कुल। उसके साथ आ जाते हैं इसकी पूरी लंबाई पर, तो ये आपको मिल जाती है मोटा मोटा 4500 mm, 4.5 मीटर लंबी गाड़ी है, 2 ही डोर है, इससे ये मत कहो कि छोटी सी होगी। साथ में यहाँ पर मिल जाता है आपको इस तरह से 360 कैमरा तो है ही है, ठीक। तो ये है पूरी की पूरी कहानी, अभी तो रुक जाओ, अभी इसको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। और इसका जो डिज़ाइन है ना, आप देख रहे हो डिज़ाइन बड़ा प्यारा है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो हुआ है पूरी तरह से कहाँ पर, भाई UK में, बिल्कुल। केवल MG की है तो ये मत सोचो सब कुछ चाइना में या और कहीं होगा, UK बेस्ड डिज़ाइनिंग थीम पूरी पूरी रखी गई है इसमें। उसकी झलक आपको दिख जाएगी कहाँ पर, इसका टेल लैम्प में, ये रियर डिज़ाइन देख रहे हो, ये टेल लैम्प, ये यूनियन जैक जो उनका झंडा है उससे लिया गया डिज़ाइन है, मस्त लग रही है ना। उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ पर, देख रहे हो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, एक ये हुआ सेंसर, एक ये हुआ सेंसर। सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना है, इसके हैं सीजर डोर, यहाँ से जैसे ही हम रखते हैं तो ये हो जाता है ओपन, ठीक। अब इतनी दूरी पर कोई चीज़ है, इतनी दूरी पर कोई चीज़ है और ये खुलने लगा, तो उसके लिए हो सकता है खतरा, राइट। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर आपको इसको बंद करते हैं, ये बंद हुआ, अभी देखो दोबारा से आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे ही हम खोलेंगे, लॉक हो गया, तो कुछ है अगर यहाँ, ये हो जाएगा, ये स्टॉप हो गया, भाई ये है काम इसका। चाहे यहाँ पर कोई चीज़ है, चाहे यहाँ पर कोई पास में चीज़ है, ये रुक जाएगी वहीं की वहीं, है ना, ये सही है। ए इसको दोबारा से दबाते, ये हो गया बंद, मस्त। चीज़ें बहुत बहुत छोटी छोटी इसमें बता रखी हैं, देखने में फील करने में आ रहा है पूरा मज़ा। चलो भाई इसकी एक बार आपको पावर बता दो कितनी है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है भाई, केवल लुक में ही नहीं ना। सबसे पहले देख लो, ऑल इलेक्ट्रिक है, करेक्ट। ऑल इलेक्ट्रिक के साथ साथ मतलब आगे भी मोटर है, पीछे भी मोटर है। आप चाहो इकोनॉमी मोड में चलाना चाह रहे हो, लंबी रेंज लेना चाह रहे हो, धीरे धीरे गेड़ी मारना चाह रहे हो, तो वो भी कर सकते हो। केवल रियर व्हील ड्राइव इसको चलाओ आराम से, और उसमें भी आपको 200-250 BHP देती है ये, ठीक है, आराम से चलाओ। इसमें भी आपको मिल जाएगी 500 की रेंज, 503 किलोमीटर की रेंज। और चाहो किसी के धुएं उड़ाने हैं, मतलब रेस रूस लगानी है, परफॉर्मेंस दिखानी है गाड़ी की, तो भाई आप इसको डबल उसमें मोटर में यूज़ कर सकते हो। इसमें 3 मोड हैं, एक हुआ नॉर्मल जिसे इकोनॉमी कहेंगे, फिर आया स्पोर्ट, फिर आया सुपर स्पोर्ट। सुपर स्पोर्ट में चारों के चारों पहियों में पूरा एक्सेलरेशन, दोनों मोटर काम करेगी, टोटल
504 bhp आपको प्रोड्यूस करके देगी। और टॉर्क की बात करेंगे तो वो देखिए 700 nm का। अब आप सोच के देखो 0-100 कितने में जाएगी, 0-100 सिर्फ 3.2 सेकंड्स में अल्टीमेट। अब आ जाती है बात कहाँ की, इसको ओपन करने की। अब करते हैं इसको ओपन और लुक एट दैट, आप देख रहे हो क्या बात है, अल्टीमेट फील है। एक बार क्या करता हूँ मैं, ज़रा अपना बैग मैंने टांग रखा है, बैग साइड में रख के फिर इसमें बैठता हूँ। चलो भाई अब करते हैं इसमें, ओए होए होए, ओए होए होए होए, मौजा ही मौजा भाई। इसमें ऐसा नहीं फील हो रहा कि मैं बैठा हूँ, इसमें फील हो रहा है मैं आधा लेट चुका हूँ। सीरियसली पोस्चर देख रहे हो आप, और आपको लग रहा है ना सिर्फ आगे आगे का कैबिन है, आपको जगह जगह जालियाँ जालियाँ दिख रही है स्पीकर्स की। ये देखो बोस लिखा हुआ दिख रहा है, बोस यहाँ पर बोस, वहाँ बोस, पीछे बोस, मतलब इसमें हर जगह आपको म्यूज़िक सराउंड दिया हुआ है बोस का। 8 स्पीकर है इसी गाड़ी में, अब आप समझ रहे हो। सबसे पहले कॉकपिट का फील देखो, अल्टीमेट हर जगह आपको। पहले मैं इसको बंद कर लूँ, बंद कहाँ से करेंगे यार, अरे मैं इधर उधर देख रहा हूँ भाई। ये रहा बटन, इसको मैंने दबाया और ये हो गया क्लोज। ओहो हाँ वाह भाई वाह, सीट अपने आप आगे आ चुकी है। मेरे को ड्राइविंग पोजीशन में लाने के, मतलब वेलकम सीट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसका क्लस्टर देखो, क्या शानदार फील दे रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा लेकिन कैमरे में दिख रहा है, ये यहाँ पर सेंसर दिया हुआ, मतलब रेज दी हुई है, ये जो ड्राइवर है उसकी पोजीशन को सेंस करके इसको कंट्रोल करती है गाड़ी को, मतलब आप समझ रहे हो। एक से एक चीज़ दी हुई है, तीन तीन स्क्रीन दी हैं, इधर आपको दिए ये 7 इंच की, इधर आपको दिए 7 इंच की, और बीच में दिए 10.25 इंच की, पूरा का पूरा एरोप्लेन वाला अपना आपको फील मिल जा रहा है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो इंटीरियर, ये आपको मिल रहा है ब्लैक एंड ब्राउन जैसा फील है इसमें। इंटीरियर देखो आप, पूरा सॉफ्ट टच है, हर जगह से आपको मिलता है लेदर लेदर, हर जगह लेदर का ही फील है। ठीक, यहाँ पर ये ओके रिपोर्ट, यहाँ पर ये ओके रिपोर्ट, और अब आती है, अरे यार ये क्या दिख रहा है मुझे भाई, डेन एंड मैनुअली एडजस्टेबल है, इसमें तो कोई शिकायत नहीं करेगा। चलो स्ट्रेंज, अब आती है बात किसकी, रूफ ही। तो भाई रूफ के लिए हम इसको दबाते, ओ वाह ये दबा के रखा हमने, ये देखो ये बटन, और रूफ आ गई है अपने ऊपर, गाड़ी हो गई है पूरी तरह से रेडी भागने के लिए। देख रहे हो क्या फील दे रहा, अब इसको मुझे उठाना है तो ये इस तरह से चला गया पीछे। वाह भाई वाह, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं तमाम, टच बेस्ड ही है ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ जाते हैं एसी का कंट्रोल्स, और उसके साथ साथ नीचे आते हैं, यहाँ पर भी आपको टच बेस दिया हुआ, मतलब यहाँ से भी आप एसी कंट्रोल कर सकते हो, पूरा का पूरा कंट्रोल सेंटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके साथ साथ रिवर्स, न्यूट्रल, पार्क और ड्राइव, ये अपने ड्राइव मोड दिए हुए हैं, बहुत सही। दो दो आपको मिल जाते हैं कप होल्डर इस तरह से, और ये अलग ही टेक्सचर है। उसके अलावा यहाँ पर भी स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है, आपको अंदर मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट। हर जगह आपको फील करवाती है कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी में हो, और आप देख रहे हो छोटी छोटी जगह, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पर मॉइस ना आए, है ना, फॉगिंग हो जाती है ना उसके लिए। साथ में आप देखो ये देख रहे हो, दोनों जगह आपको इस तरह से शिफ्टर दिए हुए हैं, ये है अपना किसके लिए, रीजनरेशन के लिए, बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार है यार, तो ये रीजनरेशन के इसमें 3 लेवल दिए हुए हैं, उनको चूज़ करने के लिए यहाँ शिफ्टर दिया है। उसके साथ साथ ये है अपना यहाँ पर एक और शिफ्टर, मोड चेंज करने के लिए, जो मैंने आपको बताया एक नॉर्मल है फिर स्पोर्ट है, उनको चेंज करने के लिए। देखो इसको अपने यहाँ से चेंज करते हैं स्पोर्ट, यहाँ से चेंज किया कस्टम, कम्फर्ट, ये सब आपको मोड्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से देखते हैं तो ये देखो 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह से आपको ये मोड्स मिल रहे हैं। ओके, ये बाकी सुपर स्पोर्ट के लिए जो अपना करते हैं ना भाई, शूट करते हैं गाड़ी को, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से कंट्रोल, क्या बात है, चीज़ ही अलग है, हर तरह से फील ज़बरदस्त दे रही है। इस तरह से अपना मिरर हो जाएगा ऊपर, ओहो हो, और उधर का मिरर ऊपर, क्या बात है। इसकी असली परफॉर्मेंस भाई, जो इसके लिए सूटेबल ट्रैक रहेगा ना वही होनी है, क्या बात है। चलो भाई डोर को खोलते हैं यहाँ से टच करके, ये सीट हो गई है मेरी पीछे, और अब निकलते हैं इससे बाहर। क्या मुझे लग रहा था निकलना मेरे लिए बहुत टफ रहेगा बिकॉज ऑफ दिस पेट, लेकिन नहीं भाई आराम से, अब इसी को ही आप यहाँ से बंद कर सकते हो ये।
वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और ये जो रूफ है ना, ये रूफ भी भाई इन्होंने खुद लिखा है, BMW और पोर्शे को जो सप्लाई करती है कंपनी उसी से इन्होंने ली है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में वो इन्होंने ध्यान दिया है, जो कि बड़े बड़े जो पुराने जायंट हैं जो इस फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं उन्होंने काम किया है। तो बिल्कुल यार ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, पावर रॉकेट है, लॉन्च होने का बस वेट है कि कब ये लॉन्च होगी, क्या इसकी प्राइसिंग आएगी। आनी सुपर प्रीमियम जो अपना कैटेगरी है उसी में ही है, लेकिन चीज़ ज़बरदस्त होने वाली है। और आप एक और चीज़ देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 100th एनिवर्सरी दिख रहा है। तो बिल्कुल ये 2024 में इनको 100 साल हो चुके हैं, MG को 100 साल का एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो इन्होंने जो पहले एक गाड़ी लॉन्च करी थी वो इसी फॉर्म में थी, बिल्कुल ऐसी ओपन ही थी, तो उसी को दोबारा से रिक्रिएट करा है आज के ज़माने के हिसाब से, 2024 के हिसाब से, इसीलिए 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के तौर पे ये गाड़ी लॉन्च करी है, साइबरस्टार MG, क्या बात है। तो भाई आपको गाड़ी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। आपको गाड़ी अच्छी लगी है जो कि ज़रूरी है अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इस समय चैनल को। जय हिंद।